तो मैं फसल पक रही है अभी, गेहूं की कटाई भी होने वाली है, बहुत लोग तो उसी इंतजार में बैठे हैं कि दाती लेके कब आएंगे खेत में। क्यों आदरणीय हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके कंधों पर आज पूरे देश की एक बड़ी जिम्मेदारी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके निमंत्रण पे और आग्रह पे मैं यहां आया हूं, अपने लोगों के बीच खड़ा हूं, आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, जिन्होंने वाकई आज चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जो बातें आपको बताई हैं, उन बातों को आप जानते जरूर हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बातें कही, वे सबके दिल को छू गई, और उसके बाद ज्यादा कुछ कहने को किसी के पास रह नहीं जाता। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद जी, ठाकुर कुशल पाल जी, ठाकुर तेजपाल जी, धर्मेंद्र जी, और मैं सम्मानित मंच कह के अब आगे बढ़ता हूं। ये कोई साधारण मंच नहीं है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वो स्थान है, वो ग्राउंड है जहां आपने बारंबार इसी अंदाज में आकर सर समाज के लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है, जिसे कहते हैं चौराहट लीडरशिप। मुझे याद है वो दिन 2009 में भी जब इस ग्राउंड को आपने भर दिया था, बड़े तनाव में, संकट की घड़ी में आपने किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उस पुराने काले कानून जो 1894 तक इतना बोझ देश के किसानों से सहते, चाचा क्या कर रहे हो तुम, उसे उखाड़ फेंकने का काम किया, और देश के लिए नया कानून बनवाया, वो फैसला भी यही इसी मैदान के उस बड़े आंदोलन की चिंगारी यही से हुई। तो इसी ग्राउंड पे कुछ दिन पहले मैं भी आया था, किसान पंचायत हुई थी, इन कानूनों के संबंध में सरकार की तानाशाही, सरकार का अहंकार, उसके विरुद्ध भी मैंने जो यहाँ प्रस्ताव रखे थे हाथ उठाकर आप सबने उन्हें पारित किया। उनमें एक प्रस्ताव जो आखिर में जो मैंने यहां भी रखा, और उससे पहले और उसके बाद जहां भी मैं किसानों के बीच इस आंदोलन में गया हूं, मैंने वहां भी वो बात रखी है, और सबने वो बात हाथों हाथ ली है। वो ये बात थी कि इनके घमंड को तोड़ना चाहते हो, एक ही तरीका है, जो इन्हें महसूस होता है, जहां उन्हें चोट लगती है वहां आपको लट देना, वहां उनको चोट मारनी, वो वोट की चोट। वो प्रस्ताव मैंने यहां रखा था कि वोट की चोट दोगे कि नहीं दोगे, आज भी आपने हाथ खड़े कर दिए, उस दिन भी किए। आज मैं दोबारा यहां इसलिए आया हूं श्री अखिलेश यादव जी के साथ ये मंच साझा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वोट की चोट कैसे देनी है वह रास्ता आपको दिखाना चाहते थे। यह रास्ता है चौधरी चरण सिंह की पुरानी खोई, आपकी जो ताकत थी वह आपकी ताकत थी, अगर उसे हासिल करना चाहते हो, अभी जो आंदोलन चल रहा है आप भी इस चीज को देख रहे होंगे, इसमें कोई जात पात का सवाल नहीं रहा। जो रामजीलाल सुमन जी ने बेखूबी बात कही, मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं, मैं भी उस समाज की कल्पना करता हूं जहां मतदान करने में जब आप जाएं तो आपके जीविका से जुड़े अहम मुद्दों को आप जहन में रखें, दिमाग में रखें और मतदान करें, लड़ने वाले की जात की खोज ना करें। मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी मथुरा से चुनाव लड़ें और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर वो करना है, अभी इस आंदोलन में सभी जाति, कौम,
गांव में जो लोग रहते हैं उनकी भावना आपके साथ जुड़ रही है। वे लोग चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो चेतना जगाई गई है यही तो हमारी लड़ाई थी। अब लोग एक हो रहे हैं, इस एक एक को मत कमजोर होने देना। मैं आप तो यही कहने आया हूं, ये अवसर है, अब आप निकल पड़ो। यहां से जब लौटोगे, ये घर बैठने का वक्त नहीं है। मैं भी कल प्रयागराज में किसान पंचायत में जा रहा हूं, निरंतर हम लोग निकल पड़े हैं, सब लोग चलेंगे और आपको भी चलना हो। जिस गांव में आज लोग नहीं आए हो उस गांव में जाइए, बैठक कीजिए। और आप देख रहे हो कि जो लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी आंखें आज भी नहीं खुल रही, जिन्होंने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं अपने लोभ और लालच के लिए, एक एक करके जनता उनको जवाब दे रही है। कल की घटना आपको पता है क्या हुआ पटलोनी में? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कितना अहंकार इनके अंदर भर गया। बल्टीगढ़ी की जय पहलवान जी, बल्टीगढ़ी की जय। इतना अहंकार इनके अंदर भर चुका है, जब मैं मंच पे बैठा था मुझे खबर मिली आते दफे कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध तो होता है जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, गलतियां भी करते हो, आलोचना भी होती है। नेता तो वही अच्छा होता है जो आलोचना भी सुने, सुधार करे, कहीं भूल हो तो। जनता से ऊपर नहीं हो आप, जनता से ताकतवर नहीं हो, समाज से ऊपर नहीं हो। ये तो एक गद्दी आपको समाज ने दी है, ये पगड़ी आपको समाज ने पहनाई है, उस पगड़ी का तो अपमान मत करो। मुझे खबर मिली कि 8 साधारण गांव के लोगों ने, जिन्होंने विरोध किया, उनको पुलिस ने जाके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मैं बैठा था, अभी अभी मुझे खबर दी गई कि नहीं, उनको छुड़वा दिया गया है। मैं इस पंचायत में कहना चाहता हूं, कान खोल के योगी जी देख लें, बैठ लें, सुन लें इन बातों को, जहां भी हो, जो भी अभी कर रहे हो मैं नहीं जानता। अक्सर उनकी तस्वीर होती है, कभी गाय को खिला रहे हैं, कभी आप जो फल की टोकरी बांध के पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत समय होता है उनके पास। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री है, कहां वक्त होता है, कहां अपना निजी जीवन, कहां अपने निजी विचार, कहां अपनी निजी मान्यताएं, कहां अपना परिवार, सब चीज भूल भुलाकर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पर वो मग्न है अपने ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, कहने को फकीर हैं। मैं उनको कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, यही वो मैदान है। किसी भी क्रूर शासक को कैसे जवाब दिया जाता है, इस क्षेत्र की जनता बेखूबी जानती है और बेखूबी निभा सकती है। अगर आपने किसी साधारण ग्रामीण के खिलाफ कोई अनैतिक कार्रवाई की, तो ईंट से ईंट, डंडा से डंडा बजाने की हैसियत ये लोग रखते हैं। और जो सामाजिक समरसता, जो सामाजिक गठजोड़ हमें बनाने हैं, बड़े होशियारी से आप लोग, क्योंकि ये गति, ये आवाज जो आज, जो पुकार गांव गांव गली गली से निकल रही है, उसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब किसानों की वो हैसियत हो, किसानों का वो दबाव और वह अस्तित्व इतना मजबूत हो कि किसी भी सरकार को वो धमका सके। सरकार में जो बैठे प्रतिनिधि हो उन्हें एहसास हो कि ये है मेरा समाज, ये है मेरा वोटर। आज तो जो सरकार बैठी है दिल्ली में, जो सरकार बैठी है लखनऊ में, इन्हें लग रहा है इनके मुद्दे दूसरे हैं। अभी भी मैं देखता हूं कि टेलीविजन वाले जो हैं, चंद लोग हैं, वो सर्वे चला देते हैं। मैं नहीं जानता किससे जाके उन्होंने पूछा, कहां उन्होंने तहकीकात की, किसकी राय वो रख रहे हैं। कह रहे हैं साहब योगी साहब ने नौकरियां बहुत दी हैं। आपको मालूम होगा 4 साल पूरे हो गए आज, 1 सप्ताह का जश्न होने जा रहा है, अरबों खरबों रुपए जो है विज्ञापन दिए जा रहे हैं। केरल तक प्रचार हो रहा है कि योगी जी की शिक्षा नीति, योगी जी के रोजगार, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, खूब वाई वाई लूटी जा रही है।
और आज तो मैंने देखा एक विज्ञापन था, उसमें लिखा था योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 4 साल में 25 लाख नौकरियां दी। सही बात है। इनमें कई दुर्गेश चौधरी होंगे। अभी सरसों तो कह रहे थे कि 4 लाख नौकरी दी 4 साल, सुना था योगी जी का बयान था 4 लाख दी। कभी कहते हैं 1 करोड़ 80 लाख दे दी, कभी कहते हैं 5 साल में 70 देंगे, अब कह रहे हैं 4 साल में 25 लाख दे दी। अब ये झूठ भी कह सकते हो या हो सकता है इनका गणित भी कमजोर हो, दोनों ही बात हो सकती है। झूठ है, झूठ है। अब बाबा लोग हैं, मैं झूठा तो नहीं कहूंगा। कमजोर है। कानून को आप कितना समझते हो, क्योंकि यहाँ इसी स्थान पंचायत हुई उस समय भी ये बातें की गई। कानून को समझ रहे हो, ये जो कानून मोदी जी लाना चाहते हैं जबरन, आपातकालीन में लाए, किसी से पूछा नहीं, किसी ने मांगा नहीं। आज 114 दिन हो गए, 114 दिन हो चुके हैं, 300 से ज्यादा किसान, उन किसानों ने कुर्बानियां, उनके परिवारों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। किसके खाते, किस लिए, किसी लोभ या लालच में वो लोग बैठे हैं। साक्षी महाराज जी क्या कह रहे हैं, साक्षी महाराज जी को भी आपने गरीब से देखा है, मथुरा की जनता है। वे आतंकवादी बता रहे हैं, कंगना रनौत जैसी जो लोग जो मोदी जी के मित्र मंडली में शामिल हैं वह आतंकवादी कहती है। और मोदी जी खुद जब संसद में बोलते हैं तो परजीवी जैसे शब्दों का किस तोड़ना पड़ेगा इनका अहंकार। ये बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि फिर चुनाव आएगा, फिर जो हवाई जहाज भेज देंगे कहीं, फिर जो भारत और चीन में टकराव कर देंगे, क्या पता नेपाल से लड़ बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इनका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत पैसा इनके पास है, बहुत पैसे वाले लोग इनके साथ खड़े हैं। हर चीज में आपने नोट किया होगा मोदी जी की तस्वीर आती है, अब कोई छोटा बड़ा काम हो बिना उनके तस्वीर नहीं हो रहा। आपातकालीन है, बीमारी चल रही है, रोग है, आप टीका लगाने जाओगे तो उस जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भी मोदी जी की तस्वीर है, शौचालय पे भी है, पेट्रोल पंप पे तो देखा है मैंने। ये हो सकता है कल को कोई किसी का निधन हो जाए, मृत्यु सर्टिफिकेट भी लिखा हो, यात्रा मंगलमय रहे। तो इसकी काट, हालांकि कुछ पत्रकारिता से जुड़े हुए जो अच्छे भले लोग हैं वे कोशिश कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, सरकार उनको घेरती है, निरंतर दबाव बनाती है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। मैं उनको दाद देता हूं, उन पत्रकारों, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उन बुद्धिजीवियों के साथ खड़े, ये पब्लिक उनके साथ खड़ी है। लेकिन ये जो इनका तंत्र है इसकी काट आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आप तो साइकिल पर निकल जाते हो तो गांव का साधन है, ट्रैक्टर पे निकलो, बैलगाड़ी बुग्गी पे बैठो, साइकिल में निकलो, और यहां तो दावत होती है तो कई कोसों दूर तो पैदल चलते हो, आप लोग चलते हो कि नहीं, चिंता ना करो, नौ वारों को कुछ नहीं कह रहा मैं, वो खोटेलों पे ज्यादा है वो बात लागू। आपके आपस में तार बहुत मजबूत हैं, आप इन रिश्तों को निभाते हो, ये ब्रज के संस्कार, ब्रज की पुरानी संस्कृति है, रीति रिवाज है, इन्हें मजबूत रखो, इनके सहारे किसान की बात, किसान की इस लड़ाई को धार देते रहो। मैं सुन रहा था सरदार सिंह खड़े हुए, जनता कितनी दयालु होती है, पहले लोगों को थोड़ा धैर्य टूट रहा था आपका, हमारे बाबा खड़े हुए, मैं कहा भाई बुलवाओ, जब सरदार सिंह ने रिश्तों की बात कही तो वही जनता दयालु, उन्होंने कहा बोलो बोलो बोलो। मैं आपकी इस ताकत के आगे नतमस्तक होता हूं, इस पंचायत के असली पंच आप ही हैं। अब आप इस ताकत को, इस एकता को खंडित मत होने दीजिए। मैं इस मंच से अपनी तरफ से एक और ऐलान करना चाहता हूं,
एक नारा ऐसा चल पड़ा है, जब ये लड़के, ये नौजवानों की जो फौज है, जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मतदान किया था, कभी इनके पक्ष में किया था, उससे पहले हमारे साथ थे, आज जब कोई बीजेपी का कोई नेता गांव में आता है, कौन सा नारा है वो? किसान एकता, किसान एकता। अब एक दूसरा नारा चलाओ, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। यहां से तो बहुत उठाया आप लोग जो है मस्ती ले रहे हो, भाईचारा जिंदाबाद। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों, बीजेपी बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है, बहुत खुरापात करने वाले लोग शामिल हो गए हैं, वहां सब बदमाशी करते हैं, दिन रात बैठ के यही सोचते हैं कैसे कौन सा खेल निकाल के लाएंगे। उन्होंने बात चलाई कि ये तो किसान नहीं है, ये तो जाटों का आंदोलन, और ये दिखाया कि अमित शाह ने सारे जाट नेताओं को, सारी जाट फौजों को बुला लिया और उन्हें खूब लताड़ के कहा कि तुमसे एक नेता नहीं संभल रहा, जाओ तुम जाटों को ठीक कर लो, किसान विसान नहीं है। मुझे तो दिल पे चोट लगी वो बात सुन के, अगर कोई किसान हितैषी है, हमारी ताकत इन बातों को उछालने में नहीं है। क्या सिर्फ जाट बैठे हैं? क्या इस सभा में जाट आए हैं? कल मैं प्रयागराज अगर पंचायत होगी वहां सिर्फ जाट होंगे, कासगंज में अभी जो पंचायत थी वहां जाट थे, ये एक जाति का विषय है क्या? अरे खेती किसानी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन गांव में आज भी देख लो, बिना हल के बिना खुरपी के जीवन संभव नहीं है, यानी किसान बिना मजदूर जिंदा नहीं रह सकता। गांव का हरेक गरीब वर्ग, कामगार, कारीगर, उनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते किसान भाइयों। और इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं, बार बार मैं उसी बात पे फिर लौट के आ रहा हूं, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का और विश्वास करो एक दूसरे पे। जो लोग बैठे हैं लखनऊ में, वो आपका हित नहीं चाहते, उनकी सारी बात शुरू दंगे से होती है और समाप्त दंगे पे होती है उनकी सोच। अगर योगी जी आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में, किसी जनपद में, उनका एक पांव नहीं उतरता और वो मुजफ्फरनगर दंगे की बात शुरू कर देते हैं, वो कैराना के ऐसे फर्जी पलायन की चर्चा शुरू कर देते हैं। यही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जब जाते हैं तो वही बातें करते हैं, उलझलूल। अरे हमें नौकरी की बात करनी है, हमें विकास की बात करनी है। मैं भी यहां जनप्रतिनिधि रहा हूं, घर घर में, गांव गांव में हमने कोशिशें की, मुख्यमंत्री जी थे, अखिलेश जी, चर्चा हो रही थी, जो विकास की परियोजना उस समय चल गई, उसके बाद मुझे बताओ कोई एक सड़क, कोई एक एक्सप्रेसवे यहां बनाओ? ये कट बन गया था, बहुत लड़ाई लड़ी, बाजना का कट भी याद होगा आपको, उसी तरह शेरगढ़ पे जो पुल है चौधरी साहब ने दिया था, उन क्षेत्रों को जोड़ दिया जहां इतना दुर्लभ होता था इस क्षेत्र में आना, अगर वो शेरगढ़ का पुल ना बना होता तो शायद हम ऐसी सभा भी इस क्षेत्र में ना कर पाते। तो अगर चौमुखी उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, अगर किसान की सरकार बनाना चाहते हो, अगर ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जिसके सबसे बड़ी, जिसकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के होनहार नौजवान होंगे, तो आज उस रास्ता को मैं आपके आगे, उस मंच को दिखाना चाहता हूं। उस मंच पे हम लोग खड़े हैं, एकजुट हैं, लेकिन गठजोड़ तो हमारा रहेगा। अगर सामाजिक गठजोड़ में तब्दील हो गया, जो कि आप लोग बना सकते हो, तब वाकई पूरे देश की राजनीति को बदलने वाली एक नई ताकत उभर के सामने आएगी। मैं भी आपकी तरह सुनना चाहता हूं, काफी बात मैंने की और आपके बीच फिर आएंगे। अखिलेश यादव जी अभी अपनी बात रखेंगे, कानून के संबंध में जो भी मन में उनके विचार हैं ब्रज के लिए, आपके लिए रखेंगे। हम लोग फिर जो है नारा लेते हैं, क्यों, ये नारा सुनते ही जो है ना भारतीय जनता पार्टी वालों को जो है सांप सूंघ जाता है। दोनों नारे ऐसे हैं, दोनों ही बात ऐसी, ना उन्हें भाईचारा पसंद, ना उन्हें किसान पसंद, उन्हें ना किसान चाहिए, उनकी नजर में आप किसान नहीं हो,
उनकी नजर में 300 लोग जो शहीद हुए वो किसान नहीं है, यहां कोई किसान नहीं है उनकी नजर में, आप दलाल हो, आप गवार हो, आपका इस्तेमाल करना है, आप खिलौना उनके हाथ का। इनके अहंकार को तोड़ो, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए, चाहे चुनाव छोटे स्तर का हो बड़ा हो, इनका इलाज आप ही कर सकते हो। तो चलिए नारा लेते, किसान एकता, भाईचारा, चौधरी चरण सिंह। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।